YouTube का आज तक का सबसे खतरनाक अपडेट आया है। जितने भी क्रिएटर्स हैं, ये अपडेट सबको परेशान कर रहा है। हमारी कम्युनिटी में जितनी भी YouTube टिप्स देने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, चाहे मनोज देव भाई होगा, टेक्निकल योगी सर हो गए, यहाँ पे टैग चैंपियन सपोर्ट हो गए, जुन्नू की टैग भाई हो गए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस अपडेट के खिलाफ वीडियोज आपके चैनल पर आनी चाहिए। और मैं आप सबको भी बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टैग करें, और इस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक और यहां पे बिल्कुल भी क्लेम रेम कुछ नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इस अपडेट ने सब क्रिएटर्स की नींद हराम कर दी है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, YouTube ने कुछ दिन पहले 30 जून 2023 को मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए थे, बट इस टाइम YouTube ने एक पॉलिसीज में ऐसा चेंज किया है जो कि आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे और आप परेशान रह जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसरार भाई ऐसा क्या हो गया। दोस्तों अगर आप Google AdSense में जाओगे और ये वाला स्क्रीनशॉट आप देखोगे, इस स्क्रीनशॉट में $1,890 एक यूट्यूबर ने कमाए और वो डॉलर YouTube ने Google AdSense से वापस ले लिए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि YouTube की एक ऐसी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में, रेवेन्यू पॉलिसीज में चेंज हुआ है, जिससे काफी सारे क्रिएटर्स की नींद खराब हो गई है। और ये आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है, क्योंकि अगर आज हम एक यूनिटी के साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो फिर YouTube चाहे कुछ भी अपडेट ला देगा। मैं आप सबके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे क्रिएटर्स इस पॉलिसीज के अगेंस्ट बिल्कुल वीडियोस बनाइए और इस पॉलिसीज के अगेंस्ट आप बिल्कुल खड़े होइए, कंधा से कंधा मिला के। आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस तरह के इश्यूज मैं उठाता आया हूं और उठाता रहूंगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप जरा देखिए, अक्टूबर की पेमेंट कितनी है यूट्यूब स्टूडियो में, वह है 186 यानी कि $186, और ये एडसेंस में पहुंच गई थी और 23 नवंबर को टैक्स कटने के बाद में इनके बैंक अकाउंट में आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं यहां पे नवंबर की पेमेंट कितनी है, यहां पे $1,890 कितनी, 1890 ये इनके एडसेंस में पहुंच गई थी। इनके एडसेंस की पेमेंट नहीं आएगी क्योंकि चैनल हो गया है डिसेबल। यानी कि दोस्तों YouTube ने Google AdSense से ये $1,890 निकाल लिए। ये डॉलर अब क्रिएटर को नहीं मिलेंगे। और ये कब तक होगा? अगर आपका YouTube चैनल टर्मिनेट हो गया, अगर आपका YouTube चैनल किसी भी रीजन से डीमोनेटाइज हो गया, सस्पेंड हो गया या डीमोनेटाइज हो गया, खासकर अगर आपका YouTube चैनल रियूज कंटेंट के तहत, रिपीटेटिव कंटेंट के तहत, मिक्स कंटेंट के तहत, या फिर कोई ऐसा वोलेशन सेक्सुअल हरेसमेंट के कंटेंट के तहत, अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आपका YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, तो आपकी पिछली कमाई हुई जितने भी डॉलर है, अगर वो प्रॉब्लम में आ गए तो आपका डॉलर अटक जाएगा और वो डॉलर YouTube आपको नहीं, वो इसको मतलब निकाल लेगा Google AdSense से। अब ये अपडेट बेकार है या नहीं है? बेकार क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब YouTube ने हमारा चैनल मोनेटाइज किया था, जब YouTube पे हमारी वीडियोस पे एड्स आ रही थी, हमने मेहनत करी, YouTube ने उसका रेवेन्यू हमारी YT स्टूडियो में दे दिया, YT स्टूडियो में देने के बाद में Google AdSense में भी अपडेट कर दिया, बट हमारा YouTube चैनल कर दिया डीमोनेटाइज। और उसके कुछ दिन के बाद ही यहाँ पे 18 दिसंबर को ₹1,890 ये माइनस कर दिए, यानी कि अब ये क्रिएटर इसको नहीं ले पाएगा। आपके दिमाग में ये बात भी होगी कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, क्या मैं इसको दोबारा से अमाउंट ले सकता हूं? तो आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप 14 दिन के अंदर अपील करते हैं और अपील आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो शायद ये डॉलर आपका मिल सकता है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यूट्यूब ने पॉलिसीज में जो अपडेट किया था 30 जून 2023 को, उसमें चुपके से एक गलत तरीके से, हिडन तरीके से ये पॉलिसीज के बारे में बात नहीं करी, नहीं कोई अपडेट यहाँ पे, मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है क्रिएटरिस्ट, कहीं पे भी ये अपडेट मेरे को देखने को नहीं मिला, ये सिर्फ हिडन अपडेट किया गया। अब दोस्तों कान खोल के इनकी जो पॉलिसीज है उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूं,
साथ ही साथ आप भी जा सकते हो उनके लिंक पे, इस पॉलिसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहां पे क्या लिखा है, इफ योर चैनल इज टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड फ्रॉम द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू आर नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू अर्न एनी रेवेन्यू, यूट्यूब में ऑल्सो विदहोल्ड अर्निंग्स एंड रिफंड एडवर्टाइजर्स और व्यूअर्स फॉर परचेजेस वेयर एप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, यानी कि आपका YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो गया, जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है वो अब YouTube उस रेवेन्यू को ये मानता है कि ये एडवर्टाइजर का पैसा है, ये उसके पास चला जाएगा। अगर Google AdSense में आपका वो पैसा चला गया तो YouTube क्या करेगा, इस AdSense के पैसे को आपको ना देके माइनस कर देगा और वहां पे लिख देगा कि YouTube मोनेटाइजेशन डिसेबल, YouTube ऐसा लिख देगा और माइनस का पैसा आपको ना मिलके वो एडवर्टाइजर का मिलेगा। या फिर आपके थ्रू किसी ने कोई परचेजिंग की है या कुछ की है तो, या फिर आपने कोई भी काम किया है तो उसको ये दे देगा। साथ ही साथ नीचे एक लाइन और लिखा है वी विल इन्फॉर्म यू इन राइटिंग बाय द ईमेल और इन प्रोडक्ट व्हेन वी हैव टू इन्फोर्स अवर पॉलिसी, वी विल ऑल्सो लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। यानी कि ये बोल रहा है कि हम आपको ईमेल भी कर सकते हैं, रिटर्न में बता सकते हैं। रिटर्न में सिर्फ ये इतना बताते हैं कि अगर आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है तो आपको एक ईमेल करते हैं और ईमेल में यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 11 दिसंबर को ये चैनल डीमोनेटाइज हुआ 11 दिसंबर को, और 18 दिसंबर को इनकी पेमेंट रोक दी। अगर ये 2-3 दिन ना रोकता तो ये पेमेंट हो जाती रिलीज और इनके ये बैंक अकाउंट में आ जाती। इसका मतलब ये है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज होता है कब, 20 तारीख में, 21 तारीख में या 22 तारीख में, तो हो सकता है हर महीने की 20, 21, 22 तारीख में तो हो सकता है आपके यूट्यूब की पेमेंट आ जाए। अगर आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज होता है 19 तारीख में, 18 तारीख में, 17 तारीख में, 15 तारीख में, 1 तारीख में, यानी कि 20 तारीख से पहले पहले अगर आपका YouTube चैनल कभी भी डीमोनेटाइज होता है तो हो सकता है आपकी पेमेंट ना आए। ये YouTube की इतनी खतरनाक पॉलिसी YouTube ने हिडन तरीके से बताई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सपोर्ट में, क्योंकि YouTube ने जब ये कमाई कर ली है, जब YouTube ने ये हमें बता दिया और पेमेंट ऐड भी हो गई, तो ये पेमेंट YouTube को हम तक देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा YouTube नहीं करता है तो भाई हमें बहुत बड़ा दुख होता है। और वैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो कुछ है नहीं कि ये जो पेमेंट है वो एडवर्टाइजर को चली जाएगी, ऐसा कुछ YouTube ने बताया नहीं है, बट सिर्फ बोल रहा है कि एडवर्टाइजरमेंट जो बंदे करा रहे हैं एडवर्टाइजर उनके पास चली जाएगी। तो ये अपडेट बिल्कुल गलत है और मैं इस अपडेट के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज बनाइए और इसके अगेंस्ट जो है खिलाफ वीडियोज बनाइए। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब पर तभी आते हैं जब हमारी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, और इस तरह की जो ये पॉलिसीज है बिल्कुल यूट्यूब ने नहीं करना चाहिए। और मैं दुआ करता हूं कि आप वीडियोस बनाओगे, कमेंट करके जरूर जाना भाई, दिल खुश हो जाएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।